सो हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू, व्हाट इज़ क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू, सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या होती है, तो इसको हम कैसे शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम, और प्रोग्राम क्या है, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर को, और प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज़ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शंस का सेट है, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर करके सिस्टम क्या एग्जीक्यूट करके क्या एक हमारा पर्पस सॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द पर ध्यान देंगे, इंस्ट्रक्शंस। तो सीपीयू की क्लॉक स्पीड का मतलब आपका सीपीयू एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, इसको कहते हैं सीपीयू की क्लॉक स्पीड। तो आपने देखा होगा, आप कभी भी जब आप सिस्टम परचेस कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में आप सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसा 2.5 गीगाहर्ट्ज़ GHZ, ये 4 गीगाहर्ट्ज़, 3.5 गीगाहर्ट्ज़, मतलब सीपीयू की क्लॉक स्पीड को हम कैसे मेज़र करते हैं, गीगाहर्ट्ज़ में। सो गीगा ये यानी इसका मतलब ये है, अगर हम 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर देख रहे हैं, सीपीयू देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो एक सेकंड में 2.5 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये कहलाती है सीपीयू की क्लॉक स्पीड। इसको कैसे मेजर करते हैं, आपको याद रखना है, गीगाहर्ट्ज़ में, ये टर्म याद रखेंगे, गीगाहर्ट्ज़। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि सीपीयू की क्लॉक स्पीड मतलब एक सीपीयू, एक प्रोसेसर, एक माइक्रो प्रोसेसर एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है, उसे हम कहते हैं सीपीयू की क्लॉक स्पीड। और सीपीयू की क्लॉक स्पीड को मेजर करते हैं हम गीगाहर्ट्ज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सीपीयू, अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर, अगर कोई प्रोसेसर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, इसका मतलब यह है कि वो 2.5 बिलियन या 4 बिलियन या फिर 3.5 बिलियन या 5 बिलियन जो भी है, उतने इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो दिस इज़ व्हाट क्लॉक स्पीड ऑफ सीपीयू मींस, इसे कहते हैं सीपीयू की क्लॉक स्पीड। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या होती है। So this was a basic about CPU clock speed. Thank you so much. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो just give it a like. और regular ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो subscribe my channel. Thank you so much. मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में ऐसे ही किसी एक नए टॉपिक के साथ।